कासिम मोहम्मद मजलूम अखलाक आजाद खान पहलू खान गफ्फार कुरैशी इन नामों की लंबी फहरिस्त है जिन्होंने तथाकथित गौ रक्षकों के हमलों में अपनी जानें गंवा दी। इनकी जब हत्या हुई तो कोई अपने मवेशियों को चरा रहा था तो कोई मवेशी खरीद कर अपने घर ले जा रहा था। इस बार इन गौ रक्षकों के निशाने पर कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले युवक आर्यन मिश्रा आ गए। कैसे और क्यों पूरा मामला समझते हैं। आर्यन मिश्रा 23 अगस्त की रात को 11 बजे घर से अपने दोस्त शैंकी मकान मालकिन और उनके बेटे हर्षित और दो अन्य महिलाओं के साथ नूडल्स खाने के लिए निकले थे। इन गौरक्षकों को कहीं से कोई सूचना मिली थी कि शहर में डस्टर और फॉर्चूनर गाड़ी में गौ तस्कर घूम रहे हैं। आर्यन मिश्रा और बाकी लोग जब नूडल खाकर लौट रहे थे तो रास्ते में स्विफ्ट कार सवारों ने जिस डस्टर कार से वो जा रहे थे उसे रोकने का इशारा किया। गाड़ी हर्षित चला रहा था और आर्यन साथ में बैठा था। आर्यन के दोस्त शैंकी का पुलकित गुलाटी नाम के आदमी से झगड़ा था, इसलिए उन्हें लगा कि पुलकित ने मारपीट करने के इरादे से कुछ लोगों को भेजा है। हर्षित कार चलाता रहा और स्विफ्ट कार सवारों ने उनका 30 किलोमीटर तक पीछा किया। इसके बाद स्विफ्ट में सवार लोगों ने फायरिंग कर दी। आर्यन मिश्रा के सिर में गोली लगी। इसके बाद जब कार रुकी तो आर्यन मिश्रा पर स्विफ्ट में सवार लोगों ने आर्यन के सीने में एक और गोली मार दी। उन लोगों ने जब कार में महिलाओं को बैठा देखा तब उन्हें समझ में आया कि वे गलत लोगों का पीछा कर रहे हैं। इसके बाद वे वहां से भाग निकले। आर्यन को फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया जहां दूसरे दिन 24 अगस्त को इलाज के दौरान आर्यन की मौत हो गई। आर्यन के पिता सियानंद मिश्रा पूरी तरह से टूट चुके हैं। सवाल कर रहे हैं कि जब इतनी गोलीबारी हुई तो गोली क्यों उनके बेटे को ही लगी। पिता कह रहे हैं कि हम पंडित हैं, हमारी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है। हम पंडित हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं, ना कोई हमारा लड़ाई। हरियाणा पुलिस ने आर्यन मिश्रा मर्डर केस की गुत्थी सुलझाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी पहचान अनिल कौशिक, वरुण, कृष्ण, सौरभ और आदेश के रूप में हुई है। इनके पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार और कार भी बरामद कर ली गई है। हालांकि इस बीच पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि पुलिस अनिल कौशिक को गौरक्षक बताने से बच रही है। बहरहाल अनिल कौशिक का सोशल मीडिया अकाउंट उसके गौरक्षक होने की सबूत दे रहा है। अनिल कौशिक ने अपने फेसबुक अकाउंट पर गाने लगाकर गौरक्षक होने के बखान में कई वीडियो बनाए हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है जिसमें गौ तस्करी के शक में किसी की हत्या हुई है। दावा तो यह भी किया ही जा सकता है कि यह आखिरी मामला भी नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी सामाजिक व्यवस्था में जब किसी निर्दोष के मरने पर लोग खुश होने और दुखी होने को धर्म, जाति और वर्ग में बांटकर देखने लगते हैं तो जुर्म करने वालों को हमेशा ही बढ़ावा मिलता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत में अब तक गौ रक्षा से संबंधित हिंसा के मामलों में लगभग 50 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। इन मामलों में जान गंवाने वाले 80% से ज़्यादा लोग मुसलमान थे। आर्यन के पिता सवाल करते हैं कि गौ तस्करों के शक में गोली मारने का अधिकार कौन देता है और गौ कसकर समझ के इनको अधिकार मिला हुआ है कि गोली मार दें आम को। ये अधिकार गवर्नमेंट दी है, मोदी सरकार ने दी है, तो क्यों दी है? हम भी इस आधार पर सवाल करना चाहते हैं कि आखिर कौन लोग इन्हें हथियार थमाकर ऐसे कामों की ठेकेदारी करवा रहे हैं। ऐसे तथाकथित दलों और संगठनों पर शासन प्रशासन का कोई शिकंजा क्यों नहीं है? यह सवाल आपको भी करने चाहिए क्योंकि यह किसी भी सामाजिक व्यवस्था के भीतर अपने आप में एक सवालिया निशान है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप जिस देख रहे थे। ऐसी तमाम वीडियो को देखने के लिए बने रहें जस्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।